इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सिरसा से सामने आ रही है। सिरसा में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और आपको बता दें कि देखिए यहां से 28 लोग कोरोना से संक्रमित मिले हैं। इसके साथ एक्टिव मरीजों की संख्या यहां पर 34 हो गई है। देखिए आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने पुष्टि की है, सभी मरीजों को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया गया। देखिए आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और महज अगर सिरसा की बात करें तो देखिए सिरसा में आंकड़े जो हैं वो कम होते नजर आ रहे थे, लेकिन आप देखिए कि आंकड़े अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 28 लोग यहां कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ बता दें कि एक्टिव मरीजों की संख्या यहाँ पर 34 हो गई है और इसी के साथ ये भी जानकारी दे दें कि सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने इस बात की पुष्टि की है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित तिवारी पूर्ण से हमारे जुड़ चुके हैं। अमित, सिरसा में आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा, क्या कारण माना जाए बढ़ते आंकड़ों का? रूप से ये है बड़ी सिरसा के लिए एक बड़ी खबर है कि 28 लोग हैं वो एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और कुल जो आंकड़ा बढ़कर एक्टिव केसेस का वो 14 हो गया है। इसमें 15 लोग जो है वो मुंबई से आए थे जिनकी जांच रिपोर्ट में वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा अगर बात करें तो एक केस गुड़गांव से यहाँ आया था। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वो चार जो है वो जेल में जो प्रिजनर्स हैं, कैदी हैं, वे भी इसमें शामिल हैं और एक कांस्टेबल है जो डिस्ट्रिक्ट जेल में तैनात था। इसके अलावा दो स्वास्थ्य कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो ऐसे में सिरसा के लिए बड़ी आज अहम खबर और दुखद खबर है कि एक साथ 28 लोगों का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना चिंताजनक बेहद स्थिति है और बाजार जो खुले हैं और आज जब अगर बात करें जो अब काफी छूट जो मिली है बाजारों में उसके लिए भी बड़ी समस्या है और एकदम से केसों का बढ़ना काफी चिंताजनक है। अमित, देखिए जिस तरह से आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं मुख्य तौर पर कारण सामने आ रहा है कि इन लोगों की ट्रेवल हिस्ट्री रही है, ये लोग आते जाते रहे हैं, तो जिन लोगों की आवाजाही उन पर प्रशासन किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सोनिया, अगर बात करें तो हिस्ट्री जरूर इसमें से काफी लोगों की रही है, लेकिन जो लोकल ट्रांसमिशन के केस बढ़ रहे हैं वो बेहद चिंताजनक है क्योंकि सबसे बड़ा एक अहम राय था जो आबकारी में एक एक्ट में जिसे पुलिस ने पकड़ा था, अवैध शराब बेचते हुए बनी गांव का लड़का था और वो जेल में भी रह के आया था। उसके बाद जेल कर्मचारियों की जो रिपोर्ट कराई गई तो उसमें से अब चार कैदियों की जो कोरोना पॉजिटिव आई और एक कांस्टेबल की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। तो ऐसे में लोकल ट्रांसमिशन के जो केस बढ़ रहे हैं वो काफी अहम है, काफी चिंताजनक है और बाहर से आए लोग उनके तो केसेस थे ही, अब यह है लोकल ट्रांसमिशन के केस और बढ़ रहे हैं जो काफी खतरनाक स्थिति है। और सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र नैन भी इस बात की पुष्टि करें, उनसे जिस प्रकार से लोग प्रशासन की हिदायतों की अनुपालन नहीं कर रहे तो वो अपने आप में एक चिंताजनक बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैं तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए प्रदेश में जो कोरोना का जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, सिरसा की बात करें तो देखिए यहां जो कोरोना संक्रमित आंकड़े हैं वो 34